ओम शांति। 16/10/2023 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, ज्ञान का सुख 21 पीढ़ी चलता है, वह है स्वर्ग का सदा सुख। भक्ति में तीव्र भक्ति से अल्पकाल क्षणभंगुर सुख मिलता है। प्रश्न, किस श्रीमत पर चलकर तुम बच्चे सदगति को प्राप्त कर सकते हो? उत्तर, बाप की तुम्हें श्रीमत है। इस पुरानी दुनिया को भूल एक मुझे याद करो, इसी को ही बलिहार जाना अथवा जीते जी मरना कहा जाता है। इसी श्रीमत से तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हो, तुम्हारी सदगति हो जाती है। साकार मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते, बाप ही सबका सदगति दाता है। गीत, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, बाप पर पूरा बलिहार जाना है। देह का अहंकार छोड़ योग अग्नि से विकर्म विनाश करने हैं। दूसरा, एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रखकर पढ़ाई करनी है। बने बनाए ड्रामा को बुद्धि में रखकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला में उड़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला में उड़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। ज्ञान योग के साथ साथ हर समय हर कर्म में हर दिन नया उमंग उत्साह बना रहे, यही उड़ती कला का आधार है। कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई का हो, बर्तन मांजने का हो, साधारण कर्म हो, उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर हो। उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ती रहेगी, वह कभी कंफ्यूज नहीं होंगी, छोटी छोटी बातों में थककर रुकेंगी नहीं। स्लोगन, जो निर्माण चित अथक और सदा जागती ज्योत है, वही विश्व कल्याणकारी है। जो निर्माण चित अथक और सदा जागती ज्योत है, वही विश्व कल्याणकारी है। अच्छा, ओम शांति। आप दृष्टि you